दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में आज उत्तर प्रदेश निवासी एकता समिति और लोक कल्याण बुद्धा फाउंडेशन के साथ हजारों स्थानीय लोग बुराड़ी बाईपास पर इकट्ठा हुए। यहां सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और रैली का आयोजन किया गया। इनकी मांग थी कि दिल्ली की कॉलोनियों में सबसे ज्यादा वोट बैंक रहता है, बावजूद उसके अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य नहीं करवाए जाते। बुराड़ी विधानसभा में करीब 100 के आसपास कच्ची कॉलोनियां हैं और इन कॉलोनियों में काम नहीं हो पा रहे हैं। सभी कॉलोनियां यहां बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। साथ ही पिछले दिनों बुराड़ी में सैकड़ों बिल्डिंगों पर तोड़फोड़ की गई। बुराड़ी बाईपास पर लोगों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ रैली करने के बाद करीब 2 किलोमीटर से लंबा मार्च निकाला और सरकार का पुतला दहन किया। इनका कहना है कि बुराड़ी विधानसभा की कई लाख जनसंख्या है। बुराड़ी विधानसभा आउटर रिंग रोड से एक तरफ है, दूसरी तरफ सिर्फ जहांगीरपुरी का एक ब्लॉक आता है। उस ब्लॉक को छोड़ दिया जाए तो पूरी बुराड़ी विधानसभा में नहीं कोई सरकारी अस्पताल है, नहीं फायर स्टेशन है और पानी की लाइनें, जहां पानी की लाइनें बिछी है वहां पानी बहुत कम और थोड़ी देर तक आता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इसी कारण कॉलोनियों के लोगों ने सरकार को चेतावनी के लिए आज यह मार्च निकाला था। इनकी मांग है कि जिस तरह से बुराड़ी में लोगों की जीवन भर की मेहनत से बनाए मकान को तोड़ा जा रहा है, इसे रुकना चाहिए और कॉलोनियों में मूल सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। क्या मुद्दा था, कौन लोग आए थे, इसमें क्या है पूरा और कितने लोग आए, क्या नतीजा निकला, आगे क्या करेंगे अब आप लोग? देखिए, हम जितने भी लोग इकट्ठे हुए हमारे बुराड़ी एरिया से, समस्त RWA, NGO, सामाजिक संगठन जितने भी होते हैं, हम सभी लोग यहाँ इसलिए एकत्रित तो हुए कि हमारे बुराड़ी विधानसभा में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमें विकास के नाम पर आज तक कुछ नहीं दिया गया है। इन्हीं अपनी विकास की मांगों को लेकर सरकार से अपनी मांग की जाए, सरकार को यह संदेश दिया जाए कि हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं, हमको भी विकास चाहिए। कब तक हम अनऑथराइज कॉलोनियों के लोग 50% आबादी दिल्ली की ऐसे ही जीती रहेगी? आज इन्हीं विकास की बातों को लेके हम एकत्रित हुए सरकार तक ये बातें। पुतला दहन कर रहे हैं आप लोग, किसका पुतला दहन कर रहे हैं, किस देश सरकार का? देखिए, पुतला दहन सरकार का होता है, किसी हम व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी पर टारगेट करने नहीं आए। हमारी मांग सरकार से है, जो हमारी दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार के हाथ में हमारे सारे विकास हैं, वो विकासों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हम दिल्ली सरकार का ही पुतला दहन करेंगे। क्या असर होगा लगता है आपको इससे? देखिए, मेरी समझ से कि हम सभी पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हम एक आम नागरिक हैं और आम नागरिक की आवाज सरकार को सुननी चाहिए। नहीं सुनी तो आगे हम इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिससे सरकार को सुनना ही पड़ेगा। इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या, किस मुद्दे को उठाया आप लोगों ने? हम लोगों ने जो अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए, अनाधिकृत कॉलोनियों की जो समस्या है, जैसे आप देखते हैं कि बुराड़ी 6 लाख की आबादी वाला शहर है और पूरे प्रदेश में ये सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है। यहाँ आज भी एक हॉस्पिटल नहीं है। पिछले जब शीला दीक्षित जी यहाँ चीफ मिनिस्टर थी तो यहाँ इनोग्रेट की थी, शिलान्यास करी थी एक हॉस्पिटल का, 800 बेड का। आज भी वो हॉस्पिटल अधर में लटका है और 2 बार यहाँ के जो विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं, 2 बार उनकी कार्यकाल पूरे होना जा रहे हैं और अभी भी यहाँ के जो लोग हैं, हमारे लोग हैं, वो यहाँ से जाते हैं जगजीवन राम जहांगीरपुरी, वहाँ ना तो ब्लड बैंक की व्यवस्था है, ना ICU है, ना दूसरी कोई व्यवस्था है, वहाँ से भेज दिया जाता है इन लोगों को हिंदू राव में। आप देखेंगे कि पहले ही से 3-3 पेशेंट एक बेड पे पड़े हुए हैं, उन लोगों को वापस कर देते हैं अम्बेडकर में, जहाँ जमीन पर सोने के लिए मजबूर है। तो आज हम लोग जो ये किए थे, उसमें मुख्य जो हमारा काम था वो अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास से संबंधित था कि हमारी जो समस्या है, बिजली, पानी, सड़क, इन समस्याओं को कैसे निराकरण किया जाए, निवारण किया जाए, इसी के लिए आज बैठक था।